आलू डड्डू पकाए होए ना, आलू डड्डू पकाए होए ना, खाने ऐसे खा लो सजनों, असा बड़े चावा नाल पकाए होए ना, खाने ऐसे खा लो वो असा बड़े चावा नाल पकाए होए ना, आलू डड्डू खाने अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। शकरगढ़ में हम आपको नदी दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं। उससे पहले चंद खेत यहाँ पे पैलियाँ जिसे हम कहते हैं पिंड दे रहने वाले लोग जेड़े ना इनू पैली कहते हैं, तो इस पैली दे विच जेड़ा ना सर सबज ते पीले पीले फुलां दे रंग दे फुल लगे दे ना इनू असी सरों का खेत भी कहने, सरों जी पक चुकी दी है तो इनू जे देख सकते हो पीले पीले फुल लग गए देना, खूबसूरत फूल ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत फूल आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और इसी पैली के साथ एक ऐसी पैली जिसमें माँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये माँ की फलियाँ लगी हुई हैं, ये फलियाँ हम इसको तो निकाल के बाहर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये तरह लगे हुए हैं, इधर ये बेलों की तरह के हैं, ये तो इसमें ये माँ लगे हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं पूरा खेत माँ इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद बाजरा भी लगा हुआ है और ये बाजरा जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आगे हम चलते हैं बैंक की तरफ, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं। नदी नाला की तरफ तो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मवेशी यहाँ पे चढ़ने के लिए लोगों ने लेकर आए हुए हैं, और ये मवेशी आप देख सकते हैं काफ़ी मकदार में इधर मवेशी है। नहर के पास पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं बैक साइड पे मेरे साथ। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ है नवाज खोकर साहब, और आज की ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने शहर शकरगढ़ के खूबसूरत नज़ारे। आप ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो ये बच्चे मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें आप देख सकते हैं मकानों को बनाने के लिए ये रेत बहुत ही अच्छी रेत है। ये आप पानी भी देख सकते हैं मेरे साइड से पानी है, ये बहुत ही ज़्यादा पानी खूबसूरत नज़ारा। तो नाले के पास, नदी नाले के पास ये पत्थर लग रहे हैं, खूबसूरत पत्थर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साइड पे, ये आप साइड पे देख सकते हैं नहर है, तो ये पत्थर इसकी साइडों पे पत्थर का काम जारी है। तो पत्थर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये पत्थर लग रहे हैं अभी खूबसूरत पत्थर, नहर यहाँ पे एक पॉइंट घूमने फिरने के लिए अगर शहर वाले यहाँ पे आए तो ये खूबसूरत पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट के नज़ारे आप ले सकते हैं यहाँ पे आकर। तो हम यहाँ पे जो नदी पुल है वहाँ पे आए हैं, तो इनसे हम रो पिएंगे, ये देसी रोआ देसी गन्नों से बनती है, ये मिट्टी चल रही है आप देख सकते हैं, तो इन बुजुर्गों से हम ताज़ा खट्टी और मज़ेदार रो पिएंगे और इंजॉय करेंगे।
इन बुज़ुर्गों से हमने ये इन्होंने 20 रुपए का ग्लास दिया दो का, आप देख सकते हैं ये बुज़ुर्गों से, तो हम पी के देखते हैं। ये इन्होंने बैठने के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपने पॉकेट सैड करने के लिए आना है शकरगढ़ से बाहर, ये पुल है यहाँ पे, तो एक नया बना हुआ है, एक पुराना पुल है, तो अभी पुराना पुल खस्ता हाल में है और नया पुल अभी इसका इब्तदा गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आके इंजॉय करना है, रोह पीनी है, तो ये ताज़ा रोह वहाँ के आप पी सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पुराना पुल है, पुराने पुल का जो मंजर, तो इसके साथ आप पुल के नीचे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जानवर है, जो जानवर यहाँ पे चढ़ने के बाद यहाँ धूप के अलावा छांव में बैठे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप वो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जानवर यहाँ पे चल रहे हैं, आ रहे हैं। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये पुल के नीचे हाथे में ये नहर यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, तो अक्सर लोग यहाँ पे शिकार करने के लिए यहाँ पे आते हैं मछली वगैरह पकड़ने के लिए। तो संडे का दिन हो और इंजॉय करने लोग यहाँ पे आते हैं काफ़ी मकदार में लोग, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है तो वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये आपको पहले भी ये बताया था कि ये जो नहर है ये कश्मीर के पहाड़ों से निकलती है और वहाँ से ये पानी यहाँ पाकिस्तान में दाखिल होता है, कश्मीर से होता हुआ इंडिया की बॉर्डर से, और ये पानी जाके लाहौर की रावी नहर वहाँ पे ये पानी। तो प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। आज के इस व्लॉग में मैं था आपका होस्ट मोहम्मद इमरान खालिद, और मेरे साथ थे नवाज़ खोखर साहब, जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं वो नीचे हैं, तो नवाज़ खोखर को और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक और वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, यहाँ पर इख्तिताम वज़ीर, अल्लाह हाफिज़।